ओके सो हे है सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सो कस कैसे हैं आप सभी आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे तो कस आज का जो हमारा कंसेप्ट है वीडियो का टाइटल हमने देख के आप समझ ही गए होंगे तो कस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पिन जिसका मैं यूज़ करूंगा सभी का लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप ईजी वीडियो देखने जाकर डाउनलोड कर सकते हो तो कच वीडियो जो है हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है तो चलिए गई आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं सोज़ा so आप सभी को सबसे पहले करना है कि आपसे भी कुछ बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है एंड गैस बैकग्राउंड को देख के बिल्कुल भी घबराओ मत अभी जब हम इसमें मॉडल को ऐड करेंगे तब उसके बाद आप आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि हमारा बैकग्राउंड कैसा था ठीक है अब यहाँ पे हम अपने मॉडल को हमने ले लिया है अब क्या करेंगे इसको हम थोड़ा कुछ इस टाइप से जो आपका मॉडल जो ऐड करना है वो आपको कुछ इस टाइप से ऐड करना है कि मतलब कि आपका जो आधा मॉडल होगा वो आपके दूसरे मॉडल को आना चाहिए ठीक है एंड उसके बाद इसकी अपोजिट आपको यहाँ पे कम कर लेना है इेजर टुल में जाना है इरेजर पर क्लिक करना है इसके हार्डनेस को फुल कर देना है एंड गाइस उसके बाद आप सभी को फ्रे करना है फोटो को जूम करना है एंड ऐसे गाइस आपको फटाफट से इस साइड का एरिया इरेज कर लेना है ठीक है एंड गाइस इसका ना कोई रियल बैकग्राउंड नहीं था इस वजह से यार मैं आप सभी को, को कोई बैकग्राउंड ला नहीं दे पाया एंड गाइस जो इसकी जो मतलब ये फोटो की जो रियल फोटो है वो गाइस आप सभी को साइड में दिख रहा है ठीक है एंड जो एडिट वाली है वो भी दिख रहा है आपको तो गाइस इसलिए मैं आप सभी को एकदम जो रियलिस्टिक सा बैकग्राउंड था वो नहीं लाकर दे पाया हूँ बट गाइस कोई बात नहीं मैं आप सभी को एकदम इसमें अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आपको आप जब एडिट करोगे अपनी फोटो तो यार किसी को पता तक नहीं लगेगा कि मतलब यार कहीं से कुछ इरेज़ है इसमें है ना बस वो आप सभी को देख बस आप सभी को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो एडिटिंग करनी है ना वो एकदम अच्छे तरीके से करनी है एंड एकदम टाइम दे के करना अच्छे तरीके से एक दो घंटे आराम से एंड जब जाके एडिट करनी है ठीक है एंड उसके बाद मैं आप सभी को इसमें बता देता हूँ कि जो ये येस करोगे कैसी साइड में इसको होगा एकदम बारीकी सी और एकदम अच्छे से देख देख के ओपोसिटी को कम ज़्यादा कर करके फिर जाके रेस करना है ठीक है जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको एंड कैसे उसके बाद देखिए यहाँ पे आप ओपोसिटी को हम फुल करके देखते हैं ठीक है तो यहाँ पे आप जो इस साइड का हिस्सा इसको हम ऐसा फटाफट सी रेस करते हैं ताकि जो मतलब कि यहाँ से ये भी रेज हो जाए एंड यहाँ पर पता ना लगे है ना तो इसको हम यहाँ पे इरेज़ कर लेते हैं अब गज उसके बाद थोड़ा सा एरिया यहाँ पे इरेज़ नहीं हुआ है जिसको हम आप ही यहाँ से ब्रश पे क्लिक करके एंड यहाँ पे पूरा फील कर देंगे ठीक है तो वज यही कुछ कुछ छोटे छोटे पार्ट रह जाते हैं जिसके वजह से यार बाद में यार फोटो एडिटिंग बेकार हो जाती है इसलिए गज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखना ये सब चीज़ें देखते रहना कि मतलब कि यार कोई हिस्सा रहना जाए नहीं तो यार पूरी मेहनत खराब हो जाती है मेरे साथ भी काफ़ी बार हुआ है ऐसा तो बट आप सभी को आप सभी ऐसा ना करना कि मतलब ध्यान रखना ठीक है तो आप लोग भी अच्छे तरीके से करना एंड गैज मतलब मैं आप सभी के लिए यार बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि यार आप सभी को एकदम हंड्रेड परसेंट दूँ एंड एकदम मतलब कि बैकग्राउंड एकदम अच्छ असली दूँ बिल्कुल है ना बट गैज क्या करूँ यार कभी कभार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि यार आप सभी के लिए वो असली मतलब जो रियल बैकग्राउंड होता है वो नहीं ला दे पाता हूँ मैं क्योंकि यार मतलब कि वो जब रियल बैकग्राउंड होता ही नहीं है मतलब कि उसमें पहले से ही कोई दूसरा मॉडल ऐड होता है तो यार अब सिंपली सर मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि अब उसमें से आप मेरे को उसको इरेज़ करना पड़ेगा और आप सभी के को बैकग्राउंड क्रिएट करना पड़ेगा तो वैसे आप लोग समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ है ना तो बस मतलब गज ऐसा नहीं है कि मैं आप सभी को मतलब कि बस बैकग्राउंड दे देता हूँ बट आप सभी को मतलब मैं भी समझाता भी हूँ कितने कि अच्छे तरीके से आपको उसमें एडिट करना है एंड कैसे मॉडल को रखना है उसमें है ना एंड आपको मैं एक एक चीज़ बताता हूँ वीडियो में है ना तो बस आप सभी को इतना ही करना है अब गज देखिए आप इसमें क्या करना है आप देखिए हमारा जो मॉडल है थोड़ा वाइट वाइट सा लग रहा है तो अब इसको क्या करेंगे हम इसको लेकर चलेंगे ऐसे इफेक्ट वाले ऑप्शन में ठीक है इफेक्ट वाले ऑप्शन में ले जाने के बाद हम इसको ले जाएंगे कलर्स में ठीक है तो आप सभी को कहा जिसमें एक ऑप्शन मिलेगा ठीक है कलर्स में जाने के बाद आप सभी को उस कौन सा ऑप्शन है वो आपको चले जाना है सॉरी क्या जिसमें नहीं जाना है आप सभी को ये ब्राइटनेस वाले ऑप्शन में जाना है ठीक है तो इसमें ये इसमें नहीं इसमें ब्राइटनेस वाले में ठीक है तो ब्राइटनेस वाले में चलते हैं एंड उसके बाद आपको इसका क्या करना है आपको जिसका अमाउंट होगा इसको आपको कम करना है ठीक है मतलब कि एकदम डार्क सा हो जाए फोटो इतना ब्राइट इतना कम करना है रिजल्ट में जाना है जो फेस के ऊपर एरिया है इसको हम यहाँ पे बस इरेज कर लेंगे ठीक है अब गाइस इसको क्या करेंगे अब यहाँ पे हम कर देंगे डन ठीक है तो यहाँ पे देखिए इस कुछ इस टाइप से हो गया बट गैस यहाँ पे अभी हमें थोड़ा सा कुछ अब इरेज़ करना पड़ेगा तो उसके लिए क्या करेंगे मैसेज चलेंगे थोड़ा इरेजर टूल में ठीक है तो गैस इसको हम थोड़ा यहाँ पे एंड उसके बाद हम फोटो को जूम करेंगे एंड एस हम थोड़ा सा इसको इेज़ कर देंगे ठीक है तो गैस आप लोग भी मतलब जब आपका कोई कोई फोटो अगर थोड़ा ब्राइट होगा तो अब उसके बाद आप सी भी के फोटो में भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है तो बट कोई दिक्कत नहीं है भाई आप उसको सिंपली इस वहाँ से इरेज़ करना थोड़ा सा हल्का हल्का है ना क्योंकि फोटो को जो यार अच्छा बनाने के लिए तो करना पड़ता ना इतनी मेहनत तो बट आप सभी को इतना कर लेना अब गज क्या करेंगे आप इसमें थोड़ी सी शेडो बनानी है तो शडो बनाने के लिए आपको एक ब्लैक कलर का पीनजी है गज ठीक है तो आप सभी इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ पहले तो गज आपको उसके साइज को कुछ इस टाइप से ऐसे रख देना है ठीक है फिर इसके बाद आपको क्या करना है आपको चले जाना है ऐसे ही रिजल्ट में एंड इसको यहां पे इन्वर्ट करना है ब्रश को लेना है एंड जो इसका साइज होगा वो इतना रख लेना एंड जो ओपोजिटी हार्डनेस होगा उतना कर देना है ठीक है फिर उसके बाद आपका फोटो को जूम करना है एंड यहाँ पे आपको वो शेडो क्रिएट करनी है ठीक है अच्छे तरीके से बिल्कुल और गैस एक चीज़ का ध्यान रखना है यार आप मतलब कि आप में से कुछ भाइयों ने मेरे को इस्टाग्राम पर टैग किया था फोटो अपनी तो गई उसमें बस आप सभी ने यार एक ही गलती करी थी मतलब जिस जिस भाई ने मेरे को टैग किया था उसमें बस एक ही गलती थी कि गई आप लोगों ने ना फोटो में जब शेडो बनानी थी ना आपने वहाँ पे कहीं कहीं पर दो तीन बारी पेंट कर रखा है कहीं कहीं पर आपने हल्का मतलब कि एक दो बारी पेंट किया है तो मतलब गई इस जहाँ पे भी मतलब कब पूरी फोटो में ना बस इतना मतलब कि एक बार से ज़्यादा कहीं पे भी ज़्यादा

वहाँ पे मतलब की शेडो ये होती है जो जिससे यार रियलिस्टिक सी फोटो लगती है हमारी तो बट यार एक से ज़्यादा वाली पेंट मत करना एंड गज मैं आप सभी को बता दूँ और आप में से जो भाई मेरे को इंस्टाग्राम पर फोटो टैग नहीं करते हैं यार आप भी टैग किया करो क्योंकि यार जिसकी फोटो मेरे को बेस्ट लगती है मैं उसको यार अपनी स्टोरी पर शॉट आउट भी देता हूँ तो आप टैग भी किया करो इंस्टाग्राम में ठीक है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है तो गस यहाँ पे देखिए हमारी शेडो जो एकदम परफेक्ट तरीके से मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी है बट यहाँ पर थोड़ा हिस्सा रह गया तो उसको मैं इे कर देता हूँ अब गज देखिए यहाँ पर हमारी शेडो भी बन चुकी है यहाँ पे मॉडल भी एड हो चुका है तो अब क्या करना आपको यहाँ पे कर देना है डन ठीक है इस तो अब एक आ, एक का रहेगा गैस हमारे यहाँ पे अब एड फोटो में चलता है ढास हम आप सभी को मैं एक, एक विगनेट का पी दे दूंगा आपको करना है कि आपको सिंपली एड फोटो में यहाँ पे जाकर इसको ले लेना है एंड पे कुछ जिस टाइप से ऐसे फुल करके ऐसे रख देना है ठीक है अब उसके बाद यहाँ पे कर देना डन फिर उसके बाद गैस आप सभी को अब क्या करना है इसमें थोड़ा सा ना इसका सचुरेशन मैनेज करना है मतलब कि जो दोनों का जो फेस है उसको सैनज करना है ठीक है तो अब चलेंगे आप से टूल्स में फिर इसका दर्जेस्ट में एर्जेस्ट में जाने के बाद आपको सेचुरेशन और ऑप्शन में जाने के बाद आप सभी को जिस टाइप से माइनस टेन तक कुछ रख देना है इसको ठीक है नाइन तक कुछ रख देना है एंड उसके बाद कर देना डन ठीक है अब इतना काम हमारा पिक्सर का खत्म हो चुका है तो अब इसको हम यहाँ पे कर लेंगे सेव एंड इसको यहाँ से लेके चलेंगे हम गज गया। लाइट रूम ऐप के अंदर एंड लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद आपको जाना है इस लाइट वाले ऑप्शन में लाइट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप सभी को क्या करना है आपको जिसका कॉन्ट्रास्ट होगा गज इसको आपको हल्का सा बढ़ा देना है ठीक है फिर उसके बाद जिसका हाईलाइट होगा इसको आपको यहाँ पे कम कर देना है फिर उसके बाद गज इसमें हल्का सा शेडो बढ़ा देना है ठीक है एंड उसके बाद यहाँ पे गज जो व्हाइट ब्लैक है इसको आपको थोड़ा कम कर देना है फिर चले जाना का आपको थोड़ी वाइट को थोड़ा बढ़ा देना है एंड इसको चले जाना कलर वालों ऑप्शन में इसका थोड़ा सा वाइब्रेशन को बढ़ा देना काज ठीक है एंड इसको सचुरेशन हो उसका हल्का सा कम कर देना है फिर उसके बाद गज क्या करना आपको टेम्परेचर को थोड़ा माइनस कर देना है एंड चले जाना आपको कलर मिक्स में यहाँ पे क्या ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है एंड इसका जो सेचुरेशन होगा उसको हल्का सा कम कर देना है एंड गज उसके बाद जो इसमें ल्यूमिनस होगा आपको इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है ठीक है फिर उसके बाद क्या 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 करना आपको स्टार्स येलो कलर में इसका जो ह्यू होगा आप इसको माइनस भी कर सकते हो प्लस भी कर सकते हो बट यहाँ पर येलो कलर चाहिए तो उसको हम प्लस करेंगे एंड सैचुरेशन को बढ़ा देंगे यहाँ पर देखिए गई आप ब्लू कलर की बारी आती है देखिए काफी लोग आप बोलते यार ब्लू कलर में यार क्या करना चाहिए भाई में तो कैसे आप सभी को ज्यादा कुछ नहीं करना है अगर आपको ब्लू कलर नहीं चाहिए तो कैसे आप इसका सचेस माइनस कर, कर सकते माइनस कर सकते हो अगर आप सभी ब्लू कलर चाहिए तो आप इसको प्लस कर सकते हो बस इतना ही करना है ठीक है एंड यहाँ पे आप सबको फिर चले जाना इस वाले टूल में एंड उसके बाद इसकी जो क्लियरिटी आपको उसको इंक्रीज कर देना है जो फोटो में विगनेट है वो हल्का सा डाल देना है अदरवाइज नहीं भी डालोगे तो चलेगा बट आपकी मर्जी है फिर उसके बाद आपको उसका ग्रेन अमाउंट बढ़ा देना है थोड़ा सा एंड के बाद चले जाना आपको नीचे वाले टूल में फोटो की जो है शार्पनेस होगी आपको उसको इंक्रीज कर देना है एंड का जो नोट्रक्शन नो होगा आपको उसको भी बढ़ा देना है फिर उसके बाद आपको कलर नोट्रक्शन होगा नीचे आपको उसको बढ़ा देना है एंड का फाइनली फोटो का जो रिजल्ट है वो आप सभी के सामने है तो कैसे आशा करता हूँ और सभी को वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन को प्रेस कर लेना तो चलिए कैसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए गुड बाय